सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। आप लोग के यूपी टेट का एग्जाम विगत 8 जनवरी को कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन है जिन्होंने ओएमआर सीट में कुछ मिस्टेक्स कर दी है जिसकी वजह से वह बहुत ही अधिक परेशान है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई बहनों के लिए हमने बनाया है जिनकी ओएमआर सीट में कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो गई है। पर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 7 लिखा है तो दोस्तों 7 का क्या करना है, आपको बबल उसको गोला करना था। अब ऐसे ही आपको सबको भरना था। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर किसी में 5 लिख, आपने 5 लिख दिया और लिखना था आपको 7। दोस्तों आपको लिखना 7 था और आपने लिख दिया यहाँ पर 5, लेकिन आपने गोला यहाँ पर 7 का सही भरा है, 7 ही दोस्तों 7 ही था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपने गोला सही भरा है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सही माना जाएगा, भले यहाँ पर आपने अंक गलत लिख दिया है। और यही सेम चीज यहाँ रोल नंबर के साथ भी लागू होती है कि अगर आपने ऊपर कहीं कोई भी अंक गलत लिखा है लेकिन आपने गोला उसका सही भरा है नीचे, तो दोस्तों उससे क्या होगा, आपकी कॉपी जो है वो सही से पूरी चेक होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो इसके लिए आप श्योर हो जाइए। अब दोस्तों इसके बाद देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर में कहीं भी कोई गोला गलत भर दिया है, गोला गलत भरने का मतलब दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 को बबल करना था, आपने गलती से 4 को बबल कर दिया, तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल नहीं चेक होगा, यानी कि आपने ओएमआर पूरा गलत भर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर में भी यही चीज लागू होती है, अगर आपने कोई गोला गलत भर दिया है दोस्तों यहाँ पर वो गलत ही हो गया आपका पूरा। तो दोस्तों अब देखिए अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर किसी भी बच्चे का यूनिक होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, किसी एक ही बच्चे को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बिल्कुल सही भरा है और रोल नंबर मान लीजिए आपने बबल भरने में कहीं भी मिस्टेक कर दी है तो दोस्तों तभी भी आपकी कॉपी चेक होगी। अगर रोल नंबर आपने सही भरा और रजिस्ट्रेशन नंबर गलत कर दिया है तभी भी आपकी कॉपी चेक होगी, दोनों ही कंडीशंस में आपकी कॉपी चेक होगी। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरी चीज क्या है, बुकलेट सीरीज। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपने जिस भी सीरीज को भरा होगा, जिस भी सीरीज को गोला किया है दोस्तों उसी सीरीज में आपकी कॉपी दोस्तों चेक होगी। अगर आपने ए सीरीज को यहाँ पर गोला किया है तो ए सीरीज के आंसर की आंसर जैसा होगा वैसे ही आपकी कॉपी चेक होगी। अगर बी सीरीज को गोला किया है तो दोस्तों बी सीरीज जैसा भी आपने जो आपने गोला किया है वही कॉपी चेक होगी आपकी। और मान लीजिए आपने इसमें से कोई गोला करना ही भूल, मतलब आप भूल गए, आपने भरा ही नहीं, ऐसी स्थिति में डेफिनेटली आपका रिजल्ट प्रभावित होगा क्योंकि आपने जब ये बुकलेट सीरीज कुछ भरा ही नहीं तो किसके अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर जिसने ये मिस्टेक कर दी है उसको भरा ही नहीं है उसके लिए यहाँ पर समस्या है। तो दोस्तों इसके लिए आप पीएनपी के ऊपर डिपेंड करता है वो इस पर क्या राय या इस पर क्या निर्णय लेती है। इसके बाद दोस्तों देखिए लैंग्वेज सेकंड में आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश उर्दू और संस्कृत में से कोई एक चूज करना था। अब दोस्तों यहाँ पर या तो आपने इनमें से कोई नहीं भरा होगा या तो एक भरा होगा, दो ही मिस्टेक हो सकती है, या तो आपने गलत भर दिया होगा और या फिर आपने भरा ही नहीं होगा। अब सबसे पहले बात करें दोस्तों गलत, जिसने गलत भर दिया है, अब मान लीजिए किसी ने संस्कृत लिया था और इंग्लिश वाले बबल को यहाँ पर दोस्तों भर दिया है। दोस्तों देखिए अगर आपने इंग्लिश वाले को गोला कर दिया है और आपने संस्कृत लिया है तो दोस्तों देखिए आपकी कॉपी पूरा इंग्लिश के अकॉर्डिंग चेक होगी, यानी कि इंग्लिश के जो आंसर सही है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होगी और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। और अगर आपने दोस्तों इंग्लिश लिया था संस्कृत भर दिया है तो संस्कृत के अकॉर्डिंग आपका कॉपी चेक होगी, आपका रिजल्ट तो आएगा दोस्तों लेकिन इस जो आपने गोला भरा है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और जिसने नहीं भरा है दोस्तों यहाँ पर उसके ये क्वेश्चंस नहीं चेक होंगे लेकिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज गलत भरने से रिजल्ट तो आएगा आपका लेकिन रिजल्ट आपका प्रभावित रहेगा क्योंकि 30 नंबर आपके सही से कैसे चेक होंगे दोस्तों, जो आपने भर दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका चेक होगा। हो सकता है एक दो नंबर बढ़ जाए, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना मैच करे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चारों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो आपके ऊपर सबसे पहले दी गई थी। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ आंसर्स की। आंसर्स में दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि मान लीजिए पहले का चौथा ऑप्शन सही है, तो दोस्तों मान लीजिए चौथा ऑप्शन सही है, आपने चौथा गोला भर दिया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर आपको बाद में लग रहा नहीं चौथा नहीं सही था, हमको दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल अब सही से याद आ गया है, दूसरा वाला सही था और मुझे दूसरा वाला बबल करना था, पर फिर आपने क्या किया, आपने दूसरा वाला भी बबल यहाँ पर भर दिया। तो दोस्तों उससे क्या होगा,
आपने बबल तो कर दिया दोनों को, लेकिन मैंने पहले भी बताया दोस्तों वीडियो बना के आपको एग्जाम से पहले भी बताया था कि अगर आपने एक प्रश्न में दो गोले भर दिए हैं तो दोस्तों वो क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिन्होंने भी ये मिस्टेक की है वो तो पहले ही जान लें कि उनका वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होना है। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं कुछ और क्वेरी आ रही थी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर दोस्तों आपका नाम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ये सब चीजें दोस्तों पहले से ही आपने फॉर्म में फिल कर रखी है। तो यहाँ पर जो OMR सीट है वो ये सब नहीं आपका चेक करता है, इन सब से आपको ज्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका आपके नाम में मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपने कट करके लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ फादर्स या हस्बैंड, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक अगर आपने कर दी है तो बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए मदर नेम में भी आपने कुछ गलत कर दिया है, जिन लोगों ने मिस्टेक किया, मैं मेनली उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ भी मिस्टेक कर दिया OMR सीट में। दोस्तों यहाँ पर देखिए मदर नेम अगर कुछ गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर भी अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है या आप लिखना भूल गए या इस तरीके से कहीं कुछ हो गया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके रिजल्ट आने में। कैटेगरी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम कैटेगरी लिखना अपना भूल गए थे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसके चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था UPTET का तब तो आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी वहां पर कि आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं, OBC के हैं, SC ST क्या हैं, तो वहीं से आपका रिजल्ट आएगा बन के, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने जो फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके कक्ष निरीक्षक थे यानी कि जिनकी ड्यूटी लगी थी आपके क्लासरूम में, उन्होंने यहाँ पर साइन की है कि नहीं, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। मान लीजिए अगर उन्होंने नहीं यहाँ पर साइन किया तो ऐसा नहीं होगा कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों फिर देखिए अब यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर यानी कि आपका खुद का सिग्नेचर बोल रहा है, तो यहाँ पर भी मान लीजिए किसी ने गलत कर दिया है, गलत सिग्नेचर कर दिया। मान लीजिए बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने फॉर्म में इंग्लिश में सिग्नेचर किया होता है और यहाँ पर हिंदी में कर देते हैं जल्दी में, या वहां पर हिंदी में किए रहते हैं यहाँ पर इंग्लिश में कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमारे जितने भाई बहन भी हैं उनको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इतना मायने नहीं रखता। बस आपको खाली इन्फॉर्मेशन सही देनी है, खासकर जो बबल करने हैं, बबल वाले क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन बबल में मांगे गए थे वो बिल्कुल सही होने चाहिए, बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन तो आपने पहले से ही फॉर्म में भर रखा है, तो उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर लास्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, यहाँ पर आपको वर्ड्स में यानी कि शब्दों में लिखना था और यहाँ पर आपको अंकों में लिखना था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर तो बहुत लोगों ने अंकों में लिखा है, गलती से यहाँ पर भी अंकों में लिख दिया है, तो दोस्तों उससे भी आपको डरने की जरा भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन, मान लीजिए बहुत लोगों ने 140 अटेम्प्ट किया, 150 लिख दिया है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला आपके एग्जाम में। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया दोस्तों, बस आपके जो ऊपर की चार चीजें हैं यहाँ पर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे बहुत सारे भाई बहनों के डाउट दूर हुए होंगे। और एक चीज और है दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि नेल से उसको स्क्रैच कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भरना था हमको तीसरा वाला गोला और हमने भर दिया दूसरा, अब दूसरा भरते भरते ही अगर हमको याद आ गया, मान लीजिए आधा हमने भरा था और उसको हमने नेल से क्या किया, स्क्रैच कर दिया और वो थोड़ा साफ हो गया, फिर तीसरा वाला भर दिया, तो दोस्तों ऐसा होता है कि कॉपी चेक हो जाती है, मैक्सिमम सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि आपने नेल से उसको साफ कर दिया है और वो कॉपी चेक हो जाती है। दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों को मैंने खुद देखा है जिनकी कॉपी आसानी से चेक हो जाती है, तो ऐसे भी अगर भाई बहन हैं हमारे तो उनको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने देखा है कि रिजल्ट आया है। लेकिन अगर आपने बहुत बुरी तरीके से उसको स्क्रैच कर दिया है और वो देखने में बिल्कुल खराब हो गया, तब दोस्तों यहाँ पर तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर जरा सा भी आपको बबल करते टाइम ही याद आ गया कि नहीं ये गोला नहीं मुझे भरना चाहिए था, दूसरा वाला भरना चाहिए था, तब वहां पर दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये दोस्तों ये कुछ डाउट थे तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म बता दिए कि आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। खासकर बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे थे जिनके रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक हो गई थी, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वो भी चीज क्लियर कर दी, क्योंकि अगर इन दोनों में से आपका कोई भी एक सही है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कॉपी बिल्कुल जांची जाएगी और आपका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि पिछले ईयर में यही हुआ था। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने बुकलेट सीरीज और लैंग्वेज अटेम्प्ट में आगे पीछे कर दिया दोस्तों उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से आपका रिजल्ट प्रभावित होना ही होना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर चीज का आंसर ही बदल जाएगा अगर आपने इसमें इन दोनों में कोई बबल गलत भर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए,
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों का बहुत सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस तो यही थे कि मैम हमने स्क्रैच कर दिया, तो स्क्रैच वाला भी मैंने बता दिया दोस्तों। अगर आपने हल्का सा किया होगा, पता नहीं चल रहा होगा, तो वो ज्यादा बेटर है कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन किसी ने अगर बहुत बेकार कर दिया दोस्तों, तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती फिलहाल। लेकिन ज्यादा अगर सही लग रहा है आपका देखने में कॉपी, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आपकी कॉपी जरूर जाती जाएगी, तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और अगर आपने अच्छे से एग्जाम दे दिया है दोस्तों, तो आगे की तैयारी के लिए तैयार रहिए। आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपके सुपर टेट या फिर दोस्तों यहाँ पर आपके जूनियर की वैकेंसी आने वाली है, 4000 वैकेंसी जूनियर में आने वाली है, तो दोस्तों उन सबके लिए आप लोग तैयार रहिए। और उन सबकी तैयारी हम लोग अपने चैनल पर करवा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है आपको, तो भी हमसे पूछिए, उसका भी वीडियो हम आपको जरूर बना के देंगे। इसके अलावा दोस्तों सुपर टेट क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, इस पर भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। और यूपी टेट के बाद आप क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन किन एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और इसको अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, खासकर उन फ्रेंड्स को जिनके OMR शीट में कोई भी मिस्टेक है, जिसकी वजह से वो परेशान है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और दोस्तों इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाई है खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके 5 से 6 नंबर एग्जाम में, दोस्तों 5 से 6 नंबर की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि टोटल 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर पूरी पूरी संभावना है आयोग द्वारा नंबर दिए जाने की, यानी कि कॉमन नंबर दिए जाने की। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो साइड में आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उस लिंक को दे दिया है, वहां पर भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।